नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है शालिनी और देखिए हम एक बार फिर से आ गए हैं आपके लिए कुछ नया लेकर जिसे सुनकर और देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा मुझे बताइए कि आप अपने दादाजी के साथ रहते हैं अगर हाँ तो आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं दादाजी दादू दद्दू दद्दा बाबा इन्हीं सब नामों से बुलाते होंगे ना क्या कोई अपने दादू को थातू कहकर बुलाता है हम्म ये नाम तो बहुत अच्छा है और कितना प्यारा भी अपने दादू को इसी नाम से बुलाती है एक प्यारी सी बच्ची और क्या क्या कारनामे करती है वो अपने था या थातू के साथ चलिए उसी से जानते हैं और वो बच्ची हमें मिलेगी हिंदी विषय की पुस्तक सारंगी कक्षा दो पाठ पांच की एक कहानी में जिसका नाम है और मैं अब आप सब आलती पालती मारकर आराम से बैठ जाइए कहानी बहुत ही रोचक है तो कहानी शुरू होती है यहाँ से मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ उन्हें मैं थाथा कहती हूँ लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ कभी कभी था मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं मैं उनकी गोदी में क्यों कर हम चांद पर चले मैं पूछती हूँ वो सिर हिलाकर हंस देते हैं था के दांत नहीं है जब वो हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा जब बारिश होती है तो था, -था खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है चलो बाहर चले और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं हम समुद्र तट पर जाते हैं ऊंची ऊंची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं, चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं, मछलियां था था और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं, हम दौड़ लगाते हैं और खलाबाजियां करते हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाटू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ मैं कूदती भांती घर आ जाती हूँ और फिर था, था अपनी मन पसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं था ये कोई जादुई किताब है मैं पूछती हूँ मुस्कुराते हैं क्या मैं भी जादूगर बनूंगी मैं फिर पूछती हूँ आपकी तरह वो कहते हैं अब सो जाओ उनकी गोद में से रखकर मैं सो जाती हूँ मुझे अपने थातु से बेहद प्यार है मैं प्रार्थना करती हूँ दादाजी से इतना ही प्यार करते हैं आपके पास भी अगर अपने दादाजी से जुड़ी ऐसी ही कोई कहानी हो तो अपने दोस्तों को जरूर सुनाइएगा और चाहे तो उसे लिख भी सकते हैं अपने शब्दों में और अपने शिक्षक या शिक्षिका को दिखा सकते हैं है ना? जैसे ये खूबसूरत कहानी आपके लिए लिखी है गीता ने। कहानी तो आपने सुन ली और आपको अच्छी भी बहुत लगी मैं जानती हूं अब हम करेंगे थोड़ी बातें इस कहानी को सुनने के बाद ये बताइए आपके दिमाग में क्या क्या प्रश्न आते हैं जो भी प्रश्न आते हैं उन्हें लिखिए और अपने मित्रों से पूछिए और अब हो जाइए तैयार शब्दों के खेल के लिए पहला प्रश्न सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए जैसे ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं यहां देखिए ध्यान से क्या लिखा है ऊंची नीची सही शब्द क्या होता है ऊंची नीची है ना और ऊंची कैसे लिखते हैं ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर ध्यान चंद्र के आकार की आकृति और उसके ऊपर छोटा सा बिंदु यानी चंद्र बिंदु तो फिर हम क्या कहेंगे इसे ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं अगला धातु क्यों ना हम चाद पर चलें सही शब्द क्या होना चाहिए याद करिए कहानी में क्या था हुँ? था तू क्यों हम चांद पर चलें देखा हमने यहां पर भी चंद्र बिंदु लगाया और यह हो गया चांद इसी तरह से अगला मेरी उंगलिया कुतरती हैं सही शब्द क्या होता है उंगलियां है ना इसमें हमें यहां पर ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है और या के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगाना है और शब्द बनेगा उंगलिया। मेरी उंगलिया कुतरती हैं अब अगला उनके साथ मैं कूदती फादती घर आ जाती हूं सही शब्द क्या होगा चंद्र बिंदु लगाइए यहां के शब्द पर लगेगा कूदती फादती है ना तो क्या बनता है वाक्य उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूं इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए यहां दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए जैसे साथ के रहती हूं मैं दादाजी ये वाक्य उल्टा पुल्टा है अब हम इसे सही करेंगे चलिए मैं आपकी मदद करती हूं मैं दादाजी के साथ रहती हूं है ना इसी तरह हम कहते हैं अब अगला तट समुद्र जाते हम पर हैं। कैसे इसे सही करेंगे हम समुद्र तट पर जाते हैं ठीक है अब बाकी के दो वाक्य आपको खुद ठीक करने हैं जैसे हैं था मुस्कुराते अगला हूं मैं कहती था था उन्हें अब आप इसे सही करिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब एक खेल खेलेंगे जो कि बहुत ही मजेदार है जिसे कहते हैं झट पट कहिए खेल तो आपने कई बार खेला होगा अरे भूल गए इसे अंग्रेजी में टंग ट्विस्टर भी कहते हैं अगर ना भी खेला हो तो आप खेल लेते हैं बहुत मजा आएगा चलिए शुरू करते हैं फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी पापड़ा। बोल के देखिए थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी बोलिए फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी पापड़ा। एक बार फिर से करते हैं फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी पापड़ा। आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा मुश्किल है पर आप कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा अब दूसरा भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट इसे थोड़ा सा और जल्दी करके देखते हैं भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट देखा कितना आसान है आप भी कोशिश कीजिए मैंने भी बहुत इसकी ज्यादा प्रैक्टिस की है यानी कि कोशिश की है और फिर इतनी आसानी से इसे कर दिया आप अपने दोस्तों के साथ इस खेल को खेलिए आपको बहुत मजा आएगा हम्म आसान तो नहीं है लेकिन अभ्यास से जरूर हो जाएगा तो प्यारे-प्यारे दोस्तों आप इस मजेदार खेल को खेलिए अपने दोस्तों के साथ और इसका भरपूर आनंद लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत क्योंकि आज का समय यहीं पर समाप्त होता है हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे रोचक किस्से कहानियां और जानकारी से भरपूर पाठ हिंदी की पुस्तक के कुछ और खजाने लेकर मिलेंगे अगली बार तब तक के लिए नमस्कार